हेलो एवरीवन मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दिन पर स्वागत करता हूं दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर में हम एम ए हिस्ट्री एम एस एस जीरो एट का लेसन फर्स्ट करने वाले हैं जिसके अंदर हम पढ़ेंगे प्रकृति मानव अंतर संबंध के बारे में प्रकृति और मानव का किस प्रकार का रिलेशन है दोनों के अंदर में किस प्रकार से समय के साथ में परिवर्तन हुआ दोनों के रिलेशन किस तरह से परिवर्तित होते जा रहे थे उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इस पूरे लेसन के अंदर में तीन क्वेश्चन बनकर आते हैं जिसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन रहता है पाषाण काल तथा मध्य पाषाण काल में जो प्रकृति और मानव का अंतर संबंध था वो किस प्रकार का था आरंभ में जैसे मानव जो भी थे वो क्या करते थे शिकार करते थे छोटे मोटे जानवरों का शिकार करके जीवन करते थे खंड मूल के फल को इकट्ठा करके जीवन करते थे मरे हुए जानवरों को खरोच कर खाकर अपना जीवन खरोज करते थे तो किस तरह से उनकी प्रकृति पर निर्भरता थी किस तरह का दोनों के बीच में रिलेशन था प्रकृति और मानव का उसके बारे में पे हम बात करेंगे दूसरा जो हमारा क्वेश्चन बनता है आप देखो धीरे धीरे मानव कहता है कि छोटे छोटे जानवरों का शिकार करने के साथ साथ में जानवरों को पालतू बनाने लगा एक जगह स्थिर होकर रहने लगा और एक जगह जब स्थिर होकर रहने लगा तो वहां पे क्या होता है कृषि की शुरुआत हो जाती है कृषि का आगमन माना जाता है कृषि के आगमन के साथ में ही मानव और प्रकृति के बीच में किस तरह से चेंजेस आए क्या परिवर्तन आया उसके बारे में यहाँ पे हम दूसरे क्वेश्चन में डिस्कस करने वाले हैं हमारा जो तीसरा क्वेश्चन रहेगा अब देखो कृषि आ गया कृषि के अंदर में भी क्या धीरे धीरे विकसित होने लगा अलग अलग तरह के चीज़ों का उपयोग किया जाने लगा अलग अलग तरह के उपकरणों का उपयोग किया जाने लगा ठीक है तकनीकों का यूज़ किया जाने लगा जब तकनीकों का यूज़ हुआ तो औद्योगिक युग का शुरुआत माना गया कि अब इंडस्ट्रीज एज आ गई है इंडस्ट्रियल एज आ गई है तो औद्योगिक युग के साथ में ही मानव और प्रकृति के अंतर संबंध में क्या परिवर्तन आया यहाँ पर हम इसके बारे में भी बात करेंगे ठीक है तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन बनने वाला है तो इस पूरे लेसन में तीन क्वेश्चन बनकर आते हैं तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा ठीक है चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से और समझते हैं तीनों क्वेश्चन को डिटेल में सबसे पहले दोस्तों आज हमारा पहला ही लेसन है एमएचए जीरो एट का तो हम थोड़ा सा अपने बुक के बारे में भी समझते हैं कि इसके अंदर में पढ़ना क्या है जिससे हमें कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा कि यही चीज पढ़ना है और उसी दायरे में हम सोच पाएंगे इजिली एम एच आई जीरो एट जिसको हम कहते हैं क्या कि हिस्ट्री इसके अंदर में पढ़ेंगे हम किसकी इन्वायरमेंट की कि इन्वायरमेंट का इतिहास क्या है पर्यावरण का इतिहास क्या है इकोलॉजी पढ़ेंगे हम इंडिया की इकोलॉजी पढ़ेंगे कि इंडिया के पर्यावरण स्थिति क्या है पर्यावरण का इतिहास क्या है इंडिया के अंदर में किस तरह की समस्याएं आज के समय हम फेस कर रहे हैं उनका सॉल्यूशन क्या हो सकता है आने वाले समय में किस तरह के समझौता किया गया क्या कारण निकाला गया क्या परिणाम निकला वो सब के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे पर्यावरण से रिलेटेड हर तरह की समस्या जो इंडिया के अंदर में आज के समय में है जो भी प्रॉब्लम्स हैं जो भी उसके ऊपर में कार्य किए गए उसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं तो जो एमएचआई जीरो एट है वो बहुत ही इजी बुक है आप इजीली आप समझ पाओगे ठीक है इजीली आप इसको कनेक्ट कर पाओगे क्योंकि इंडियन बेस्ड है इंडिया के दायरे में ही आपको पढ़ना है तो ईजिली आपको समझने में आसानी रहेगा यहां पर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बट एक रिक्वेस्ट रहेगा आप सभी व्यूवर से कि रिक्वेस्ट ये कि आप अपनी नोटबुक साथ में लेकर बैठे जिससे आप इसको नोट डाउन कर सके जो भी पॉइंट्स में बोलूँ आप उसको समझ सके नोट डाउन कर सके जिससे आपको समझने में आसानी रहेगा और आपका एक तरह से नोट्स भी बनता हुआ चला जाएगा ये जो आपको अगर पीडीएफ चाहिए जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है पीडीएफ चाहिए आपको तो डायरेक्टली आप डिस्क्रिप्शन में जाइए टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कीजिए वहाँ से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में मैंने डाल रखा है ठीक है तो वहां से आप डायरेक्टली ले सकते हैं चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं देखो हमारे लेसन का नाम क्या है प्रकृति मानव अंतर संबंध एक मनुष्य का प्रकृति के साथ में किस प्रकार का रिलेशन है अब जब स्टार्टिंग में जब समय की शुरुआत होती है पे माना जाता है कि होमो सेफियन, सेफियन, जो चिंतनशील मानव थे जिनके पास सोचने की शक्ति थी जब वो शुरुआत हुआ तो स्टार्टिंग में क्या वो खाना बनाता था क्या उसके पास खेती करने का काम था क्या या फैक्ट्री में जाता था काम करने के लिए ऐसा कुछ नहीं था ना तो स्टार्टिंग में क्या करता था वो कि छोटे जानवरों का शिकार करता था छोटे छोटे जानवरों का शिकार किया कंद मूल के फल को इकट्ठा किया उसको खा रहा है और बड़े जानवर अगर किसी ने मार रखा है मरा हुआ जानवर उसको खरोज खरोज के खा रहा है तो इस तरीके से वो अपना जीवन व्यापन करता था धीरे धीरे समय के साथ में क्या हुआ पाषाण काल जिसको हम बोलते हैं पाषाण मतलब क्या होता है पत्थर ठीक है जब पत्थर के काल का शुरुआत होता है पाषाण काल पुराने पत्थरों का काल जब शुरुआत होता है तो पत्थरों का यूज करके उसने हथियार बनाए औजार बनाए ठीक है, बना है। फिर मध्य काल में क्या होता है धीरे धीरे जो पत्थर थे जो औजार थे वो धीरे धीरे सार्प होने लगे उसके अंदर में परिवर्तित आने परिवर्तित आने होने लगा परिवर्तन होने लगा परिवर्तन किस प्रकार का था आरंभिक काल में जो स्टार्टिंग में बनाया गया था औजार पाषाण काल में वो बहुत बड़े थे और बहुत ज्यादा मतलब मान लो कि मोटे थे बड़े थे एकदम अजीब से थे औजार पर जब हम मध्य काल के अंदर में जाते मध्य पाषाण काल के अंदर में जाते तो सारे औजार धारदार थे ठीक है किस तरह के औजार थे धारदार औजारों का उपयोग किया जाने लगा ठीक है तो ये यहाँ पे देखा जाता है एक एग्जाम्पल आप इस तरह से समझ सकते हो कि जो हमारा पहला कंप्यूटर तो या टेलीविज़न बनाया गया था वो बहुत बड़ा और बहुत बड़ा मतलब स्पेस कवर करता था आज के समय में क्या है कि आप अपने फोन में टेलीविजन देख सकते हो ठीक है तो किस तरह समय के साथ में क्या परिवर्तन आया सार पोता चला गया आज आप एलईडी टीवी यूज करते हो टीवी दीवार पे टांग दिए पहले क्या होता था एक अलग से अलमारी खरीदा जाता था अलमीरा खरीदा जाता था जिस पे टीवी हम रखते थे ठीक है रखने के लिए खरीदा जाता था टीवी तो बाद में खरीद पहले उसके लिए जगह बनानी पड़ती थी पर आज क्या समय के साथ में परिवर्तन आया ठीक है तो हम इस पूरे परिवर्तन को ही पढ़ने वाले हैं कि क्या परिवर्तन रहा जिसके कारण से प्रकृति और मानव के अंतर संबंधों में चेंजेस आया ठीक है आगे चलिए स्टार्ट करते हैं तो हमारा पहला क्वेश्चन यही है कि पाषाण काल और मध्य का पाषाण काल के अंदर में प्रकृति मनुष्य के अंतर संबंध को बताना है तो यहाँ पे देखा जाता है कि औजारों के रूप में पत्थर के टुकड़ों का उपयोग पत्थर के जो टुकड़े होते थे तो उनका उपयोग किया जाने लगा सुलभ और प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल जो अच्छी चीजें होती थी प्राकृतिक उनका इस्तेमाल किया जाने लगा आरंभिक काल में मानव जीवन व्यापन के लिए शिकार और कंदमूल पर निर्भर था जो जीवन व्यापन के लिए जो लोग थे जो आदि मानव जिसे हम बोलते हैं आरंभिक मानव जिसे बोलते हैं वो शिकार और कंदमूल जैसे फलों पर निर्भर करते थे तो संग्रहण पर निर्भर करते थे इकट्ठा करके वो खाया करते थे केवल शारीरिक विकास मानव विकास की व्याख्या नहीं है ये भी माना गया अब देखो उनका शरीर तो विकसित हो रहा था जैसे आप ऑस्ट्रोलोलिथिपस देखोगे जो आरंभिक मानव थे या फिर दूसरे सेपी होमोसेपियंस देखोगे होमोसेपियन सेपियंस देखोगे होमो तो जो अलग अलग मानव थे ना उनका शारीरिक विकास तो हो रहा था पर शारीरिक विकास को मानव विकास नहीं मान सकते हम मानव विकास कब होता है जब सही का जीवन व्यापन का में जब सुधार होता ना, हैं देश है। तो देश का पैमाना क्या होता है? कि जो लोग उस देश में रह रहे, उनके जीवन व्यापन का स्तर किस प्रकार का है जीवन व्यापन का स्टैंडर्ड लिविंग स्टैंडर्ड क्या है वो उसको विकसित बनाता है कितने लोग भूखे कितने लोग स्वस्थ है वो उसको जीवन व्यापन स्टैंडर्ड को बढ़ाता है ठीक है

औजारों के प्रयोग से होता क्या था तो वृक्षों को काटने के लिए कंदमूल के फलों को तोड़ने के लिए लकड़ी चीरने के लिए सेहत की प्राप्ति के लिए और और भी अलग चीजों के लिए पत्थर के औजारों का उपयोग किया जाता था जो मूल औजार थे पूरा पाषाण काल से संबंधित है मूल औजार मतलब क्या जो, जो स्टार्टिंग में औजार बनाए गए जो स्टार्टिंग में औजार मिले जो बड़े भूथर जैसे थे भूथर क्या होता है जिसके अंदर में धार ना हो भूथर बोलते हैं ठीक है जो धार ना हो उसको उस तरह के जो औजार थे बहुत भारी भारी औजार थे बड़े बड़े औजार थे तो पूरा पाषाण काल से संबंधित थे पूरा पाषाण मतलब क्या होता है पूरा मतलब पुराना पुराणापाषाण मतलब पत्थर पुराने पत्थरों का जो काल था उससे संबंधित माना जाते थे पर वहीं पर जब मध्य पाषाण की हम बात करते हैं तो मध्य पाषाण काल में क्या हुआ शल्क औजारों की हमें प्राप्ति मिलती है शल्क औजार क्या होते हैं जिस

किया जाता था आदिमानव के अनुसार में प्रकृतिक संसाधनों का उपयोग जीवन व्यापन के लिए किया जाता था जो भी जीवन प्राकृतिक संसाधन उनके आसपास में था चाहे कोई भी जीव जंतु हो चाहे कोई भी पेड़ पौधे उसका मेन उपयोग क्या होता था जीवन व्यापन के स्तर को बढ़ाने के लिए अपने जीवन व्यापन को करने के लिए उसका उपयोग किया जाता था साथ साथ में देखेंगे पाषाण कालीन अवस्था में जो औजार थे वो धीरे धीरे बदलाव आना शुरू हुआ अब समय के साथ में देखो अब पाषण काल में क्या था है कि बड़े बड़े औजार यूज करते थे बहुत औजार यूज कर रहे थे जिसमें धार नहीं होता बिना धार के औजारों का उपयोग किया जाता था और उनको एक जगह से दूसरी जगह कैरी करना बड़ा मुश्किल होता था शिकार करने में भी दिक्कत होता क्योंकि बहुत भारी औजार हुआ करते थे तो लेके जाने में दिक्कत होता था पर अब समय के साथ में बदलाव होता है बदलाव में क्या होता है कि औजार का जो साइज होता है वो धीरे धीरे छोटा होता चला जाता है हल्का होता चला जाता है जिसके कारण से उनको शिकारी कर शिकार करने में और उनको कैरी करने में

तकनीकी उपकरण का विकास जो तकनीक था उसके अंदर में भी धीरे धीरे विकास होने लगा लोग उसके अंदर में दक्षता एक तरह से महारत हासिल होने लगी लोगों को तकनीकी विकास करने में उपकरण बनाने में अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी का उपयोग करने में तो दक्षता उनके अंदर में हासिल होने लगी उपकरण कुशलता और दक्षता के कारण से कालांतर में मानव का विकास हुआ अब जैसे जैसे, जैसे जो टेक्नोलॉजी थी उनकी औजार थे विकसित हो रहे थे मानव विकसित हो रहे थे तो यह भी माना गया कि जो मानव का जो विकास क्रम है वो भी धीरे धीरे विकसित होता जा रहा है जैसे जैसे इनके उपकरण विकसित हुए कुशलता उनके अंदर में आती गई ठीक है जैसे जैसे वो शिक्षित होते गए उनके मानव विकास का भी क्रम बढ़ता चला गया जीव जंतु के बारे में वो अधिक जागरूक थे उस समय के क्या कौन से जानवर को मारेंगे मान लो कोई आदमी गया और जाके शेर के सामने ही उसको चुनौती दे रहा है तो उसको पता था कि किस जानवर के मारने पर क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, किसके पास जाना है, किसके पास नहीं तो जीव जंतु के बारे में वो अत्यधिक जागरूक माने जाते हैं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रकृति पर निर्भरता उनकी बहुत ज्यादा थी अपनी पूर्ति के लिए आज के समय में क्या है कि भाई बारिश नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है आर्टिफिशियल बारिश कर लो ठीक है तो इस तरह से चीज़ें हैं तो पर उस समय भी क्या था प्रकृति पर निर्भरता पूरी तरह से उनकी प्रकृति पर ही निर्भरता मानी जाती है इसे प्रकृति मानव के अंतर संबंधों का महत्वपूर्ण कदम भी हम देखते हैं अब देखो उसके अगर प्रकृति पर निर्भरता नहीं रहती तो आज हम ये पढ़ते ही नहीं कि प्रकृति और मानव का अंतर संबंध बताओ उनके रिलेशन को बताओ हम पढ़ते ही नहीं अगर निर्भरता है तभी हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे ये भी हमें मानकर चलते हैं ठीक है हमारा पहला क्वेश्चन हो गया समझ में आ गया आपको यहाँ पे नॉर्मली जो क्वेश्चन बेस्ड रहता है पहला क्वेश्चन जो हमारा बेस्ड था वो पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के बीच में क्या परिवर्तन हुआ किस तरह से चला पूरा टाइम पीरियड उसको ही हम यहाँ पे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन के अंदर हम बात करेंगे कृषि के आगमन के साथ में मानव प्रकृति के संबंध में क्या चेंजेस आया अब देखो जब कृषि आ चुका था तो कृषि के साथ में क्या हुआ कृषि के आगमन के साथ में मानव अंतर संबंधों में धीरे धीरे परिवर्तन होना शुरू हुआ मानव जीवन जो मानव जीवन था केवल प्राकृतिक रूप से उपलब्ध तो सामग्रियों पर ही निर्भर था पहले तो जो भी फल पैदा हुआ प्रकृतिक से या जो भी चीज़ें हुआ उसी ऊपर पूरी तरह से निर्भर था उस उसमें मानव का कोई नियंत्रण नहीं होता था कि यार आज ना मुझे एप्पल खाना है तो एप्पल एप्पल गर्मी में नहीं मिलेगा ना भैया ठंडी में मिलेगा और जम्मू कश्मीर में मिलेगा दिल्ली में नहीं मिलेगा ठीक है तो ये चीज़ें होती थी तो मानव का उस पर कोई नियंत्रण नहीं होता था पर समय के साथ में उसके अंदर में परिवर्तन हमें देखने के लिए मिलता है कृषि के कारण से मानव के अंदर में दक्षता बढ़ी थोड़ी सी उनके ज्ञान बढ़ा ठीक है कृषि के कारण से मानव कृषि की ओर झुकता झुकाव बढ़ता चला गया जो मानव का झुकाव था कृषि की ओर बढ़ता चला गया प्रकृति के ऊपर जो निर्भरता थी वो धीरे धीरे कम होती चली गई अनाजों फलों और मांसों का अपेक्षा से अधिक समय तक सुरक्षित रखा जाने लगा ठीक है जो अनाज थे ना वो ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होने लगे क्योंकि उनको ज़्यादा समय तक सुरक्षित रख सकते थे मांसों की अपेक्षा में फलों की अपेक्षा में अब देखो मांस को किसी जानवर को आपने मारा तो एक दिन रखोगे बचाकर दो दिन रखोगे तीन दिन रखोगे चौथे दिन से वो गलने लग जाएगा सड़ने लग जाएगा आप उसको खा नहीं सकते फल के साथ भी यही था फल को आप दो दिन तीन दिन चार दिन पाँच दिन रख सकते हो उससे ज़्यादा दिन नहीं रख सकते पर अनाज जो उपज कर रहे थे उसको वो ज़्यादा ज़्यादा दिन तक कैरी कर सकते थे रख सकते थे सुरक्षित रख सकते थे इसके कारण से भी देखा गया कि कृषि की ओर मानव का झुकाव बढ़ता चला गया सामाजिक स्तरीकरण में बढ़ाव बढ़त बढ़, मतलब बढ़ोतरी होती है जो समाज का स्तर था स्टैंडर्ड था उसके अंदर में धीरे-धीरे लोग आते विकसित होते चले गए उसके अंदर में स्टैंडर्ड में उनका बढ़ाव विक, विकास हुआ उनका यह भी यहां पे देखा गया जनसंख्या वृद्धि के कारण से स्थानांतरण की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी हुई अब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही थी तो लोग क्या कर रहे थे पलायन हो रहे थे एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे थे ठीक है जनसंख्या वृद्धि के कारण से मानव खाद्य सामग्रियों को से अलग हटकर शिल्प कला अब जरूरी नहीं है कि सारे लोग ना खाद्य सामग्री के ऊपर में ही निर्भर रहे कुछ लोग क्या हुए धीरे धीरे शिल्प कला की ओर तकनीक विकास की ओर और, और पर्याप्त समय देने लगे अलग अलग चीजों के ऊपर में डिपेंडेंसी बढ़ाने लगे कृषि से धीरे धीरे शिल्प कला तकनीक अलग अलग चीजों पर उनकी डिपेंडेंसी बढ़ने लगी जो जनसंख्या वृद्धि के कारण से अत्यधिक कृषि पर जोर दिया जाने लगा क्योंकि जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ रहा था खाद्य सामग्रियों के जो उपयोग था जो उनका आवश्यकता थी वो बढ़ती चली जा रही थी उसके कारण से भी देखा गया कि जनसंख्या वृद्धि के कारण से क्या अत्यधिक कृषि पर जोर दिया जाने लगा अब देखो जब ज्यादा कृषि पे जोर दिया जा रहा है तो उसके साथ में क्या हुआ कि अच्छे उपकरणों का उपयोग किया जाने लगा सिंचाई के लिए अच्छी तकनीक का तकनीक की मांग बढ़ने लगी ठीक है धातु के प्रचलन के पश्चात में ही जो धातु के औजार थे उनका उपयोग किया जाने लगा धातु के औजार मतलब क्या लोहे लकड़ जो भी अलग अलग तरह के धातु थे उसका उपयोग की आवश्यकता बढ़ने लगी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का दोहन स्टार्ट हो चुका था जो यहाँ पे मानव की जो आवश्यकताएं थी धीरे धीरे वो बढ़ती जा रही थी उसकी पूर्ति के लिए मानव प्राकृतिक संसाधनों का दोहन मतलब क्या जो संसाधन थे उनका ना मिस यूज़ किया जाने लगा बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज किया जाने लगा जंगलों को कटाई की जाने लगी ठीक है तो ये सारी चीज़ें भी देखी जाती है देखो यहाँ पे एक टॉपिक था जनसंख्या वृद्धि जनसंख्या वृद्धि का आंसर क्या हुआ हस्तांतरण में प्रवृत्ति में बढ़ोतरी हस्तांतरण कह सकते हो एक जगह से दूसरी जगह पलायन कह सकते हो अब मान लो मैं दिल्ली में रह रहा हूँ दिल्ली की जो कैपेसिटी है जो लोगों की आबादी ढोने की वो तीन करोड़ की है अब दो करोड़ हो चुकी है तो एक टाइम के बाद इतनी ज़्यादा कैपेसिटी हो जाएगी कि इतनी ज़्यादा मतलब लोग हो जाएंगे कि आप चल नहीं सकते रोड पर ठीक है तो ये एक मान के चलते एक चीज एक एग्जाम्पल एक, एक एक मान के चलते हैं कुछ टाइम बाद क्या होगा कि गवर्नमेंट भी और जो लोग भी होंगे वो एक जगह से दूसरी जगह पलायन करेंगे गवर्नमेंट किस तरह से प्लान करेगी गवर्नमेंट दूसरी जगह ऑफर लेकर आएगी कि भैया यहाँ पर नौकरी है यहाँ पर ये चीज़ है धीरे धीरे अलग अलग जगह को विकसित करेगी एक ही जगह को विकसित कर देंगे तो भी सही नहीं रहेगा ठीक है तो अलग अलग जगह को विकसित किया जाएगा ठीक है दिल्ली की जो कैपेसिटी हो कम हो दिल्ली की आबादी कम हो उसके लिए क्या किया गया दिल्ली एन बनाया गया जो दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र है उसको विकसित किया गया जिससे लोग वहाँ पर जाकर रह सके उसको विकसित किया गया जिससे उन राज्यों के अंदर में भी रेवेन्यू आए ठीक है इस तरीके से किया गया जनसंख्या वृद्धि के कारण से और क्या देखी जाती है कि अब जनसंख्या वृद्धि हुआ जनसंख्या वृद्धि हुआ तो लोगों को भैया रहने के लिए जगह भी तो चाहिए जगह नहीं है तो क्या करेंगे वो जंगल जो भी जंगल है उसको काटेंगे ठीक है जंगलों को काटा जाएगा तो फिर उससे तो नुकसान है प्रकृति का ही दोहन होगा ना तो इस तरह से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन माना जाने लगा जब जैसे जैसे मनुष्य की आवश्यकता बढ़ती गई प्राकृतिक संसाधनों का दोहन बढ़ता चला गया

और औद्योगिक युग के साथ में गुणात्मक और युग प्रवर्तक किस तरह से चेंजेस था जो एरा ऑफ चेंज जिसे हम बोलते हैं उसकी शुरुआत मानी जाती है इसके अंदर में क्या चेंजेस आते हैं तो कृषि अधिशेष का उत्पादन मतलब जो कृषि का जो उत्पादन किया जाता जा था तो अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाने लगा औद्योगिक युग से पहले जो व्यक्ति होता था वो खेत में हल से फावड़े से जुताई करता था पर औद्योगिक युग के, के कारण से क्या हुआ अलग अलग तरह के तकनीक आ गई ठीक है उसका उपयोग किया जाने लगा जिससे क्या हुआ अधिक पैदावार होने लगी अधिशेष उत्पादन बढ़ने लगा शिल्प कला और धातु कला का विकास हुआ अब लोग जो थे अलग तरह के फैक्ट्री बनाने लगे जिसके अंदर में क्या हुआ कि भैया कोई खेती कर रहा है तो खेती करने के लिए औजार भी तो चाहिए तो तो वो औजार उसको विकसित करने लगा तो इस तरह से अलग अलग कला का भी विकास हुआ विज्ञान और नवीन तकनीक का विकास देखा जाने लगा जो टेक्नोलॉजी है साइंस है उसका विकास किया जाने लगा प्राकृतिक संसाधनों के पूर्ण रूप से शोषण और दोहन की ओर उन्मुख हुआ धीरे धीरे क्या हुआ जब इंडस्ट्रीज बढ़ रही थी तो जो भी प्राकृतिक संसाधन थे और उनका शोषण शुरू होना शुरू हुआ दोहन शुरू होना शुरू हुआ ठीक है तो इस तरह से मानव उसकी ओर बढ़ता चला गया कारण स्वरूप ये माना जाता है इसके कि प्रकृतिक आपदाएं अब दोहन कर रहे हो आप किसी चीज़ का शोषण कर रहे हो तो क्या होगा प्राकृतिक आपदाएं आएंगी पर्यावरण प्रदूषण की समस्या की बढ़ोतरी होगा और आपको इसको फेस करना पड़ेगा औद्योगिक युग में तकनीकी स्तर पर मानव एवं शारीरिक श्रम से मुक्ति की देखी जाती है ठीक है धीरे धीरे जैसे अब इंडस्ट्रीज बढ़ती जा रही थी तो वहाँ पे तकनीकों का उपयोग किया जा रहा था तकनीक का जितना ज़्यादा उपयोग हो रहा था उससे इसके साथ में क्या हुआ कि जो व्यक्ति था जो श्रम करता था जो मेहनत करता था ठीक है जो अपनी शारीरिक शक्ति करता था उसके अंदर में कमी आने लगी आज के समय में पहले क्या होता था टीचर एक क्लास में आता था, था वहाँ पर बोर्ड पर लिख रहा है तो लिखने की समस्या खत्म हो गई ना आज लैपटॉप पर मैं पढ़ा रहा हूँ आपको कम टाइम में पढ़ा सकता हूँ आप दूर बैठे हो फिर भी पढ़ा सकता हूँ तो ये क्या हुआ शारीरिक श्रम में कमी आने लगी इसके साथ में औद्योगिक तकनीकी विकास के साथ साथ में अजैविक स्रोत के रूप में वैकल्पिक ऊर्जा का उपयोग अलग अलग तरह के ऊर्जाओं का उपयोग किया जाने लगा तापीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करके इसका उपयोग उपयोग किया जाने लगा ऊर्जा पर निरंतर बढ़ती मांग अब ऊर्जा का उपयोग क्या मतलब जो बिजली आती है आपके घर में पावर ऑफ सोर्स है जो आपका ठीक है जिसके कारण से आप लाइट यूज़ करते हो लैपटॉप यूज कर रहा हूँ मैं राइटिंग पैड यूज़ कर रहा हूँ आप यूट्यूब पर वीडियो देखने वाले हो तो क्या ये ऊर्जा के स्रोत हैं तो अलग अलग तरह से जब इसकी मांग बढ़ने लगी तो नई ऊर्जा की तरफ की खोज नई ऊर्जा की ओर झुकाव बढ़ने लगा अलग अलग तरह की ऊर्जा का उपयोग किया जाने लगा नाभिकीय ऊर्जा की ओर बढ़ा जाने लगा कोयला में पेट्रोलियम जैसे नए स्रोतों का खोज किया जाने लगा इसके साथ में क्या होता है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की नई अवधारणा का जन्म होता है अब जैसे देखते हैं लोग कि ये एक चीज कमी होती जा रही है यहाँ पे ये नुकसान होता जा रहा है फिर वहाँ पे एक नई कॉन्सेप्ट लेकर आ जाता है कि इसको हमें बचाना है इसको हमें लेके चलना है तो वहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की एक नई अवधारणा का जन्म होना स्टार्ट हो जाता है प्राकृतिक ऊर्जा संसाधन हमेशा के लिए खत्म ना हो जाए इसके लिए चिंतन लोगों द्वारा व्यक्त किया जाता है औद्योगिकरण के साथ में क्या देखा जाता है कि उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो जाता है भोजन सामग्री की बहुलता बढ़ जाती है पहले क्या था कि वैरायटी ऑफ फूड्स नहीं थे कि एक ही चीज़ खाना नॉर्मली होता था पर आज आपके पास में वरायटी ऑफ फूड्स हैं वैरायटी ऑफ अलग अलग तरह की चीजें हैं जो आप वहाँ पे खा सकते हो जनसंख्या स्तर में वृद्धि हो जाता है जो लिविंग स्टैंडर्ड था वो भी धीरे धीरे सुधरता चला जाता है जनसंख्या में वृद्धि के कारण से क्या होता है कि खेती पर दबाव बढ़ जाता है लोग ज्यादातर खेती कर सके खेती की पैदावार बढ़ सके इसके ऊपर में जोर दिया जाने लग, दिया जाने लगता है जंगलों तथा तो प्राकृतिक संसाधनों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है जंगलों पर प्रभाव पड़ रहा है अब जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो लोगों के रहने के लिए जगह भी चाहिए ना तो उसके लिए क्या करेंगे जंगलों की कटाई की जाएगी प्राकृतिक संसाधन का दोहन होगा उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा क्योंकि जब जंगल को काटोगे तो जंगल है क्या तो प्राकृतिक संसाधन है तो उसका दोहन हो रहा है शोषण हो रहा है उसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है ठीक है बढ़ते हुए मशीनरी के कारण से ऊर्जा की मांग बढ़ती चली गई अब जैसे जैसे मशीन बढ़ते जा रहे थे अब डेली इंडिया के अंदर में पता नहीं कितने हजारों करोड़ों फोन बनते हैं हजारों करोड़ों फोन आते हैं लैपटॉप मोबाइल आते हैं तो वो जब जितने

यहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो गई गंभीर पर्यावरण संकट का सामना करना पड़ रहा है और ग्रीन हाउस गैसेस का संकट यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है और जो इन्वायरमेंट में गर्मी है वो बढ़ता चला जा रहा है ग्लेशियर जो है पिघलते हुए चले जा रहे हैं मौसम में परिवर्तन आता जा रहा है जलवायु परिवर्तन हमें फेस कर रहे हैं अलग अलग तरह के हजारों प्रॉब्लम्स आज के समय हम देखते जा रहे हैं इसका मेन रीज़न देखा जाता है कि जो लोगों की डिमांड है जो जनसंख्या अलग अलग तरीके से जो बढ़ती जा रही है गैर मतलब लोगों की डिमांड पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का जो दोहन हुआ शोषण हुआ उनके कारण से सारी चीज़ें यहाँ पे इम्पैक्ट के तौर पर हम देख के चलते हैं तो दोस्तों ये वाला पूरा लेसन यहाँ पे एंड होता है ठीक है आपको समझ में आया या नहीं यहाँ पे कोई क्वेश्चन कोई डाउट कुछ भी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो अपना क्वेश्चन अप कर सकते हो ठीक है डायरेक्टली और यहाँ पे एक रिक्वेस्ट रहेगा आप सभी स्टूडेंट से कि आप हमारे चैनल दी ई नब और दी ई नब इन्फो को ज़रूर सब्सक्राइब करें यहाँ पे दब नब इन्फो पे आपको जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आपके कॉलेज से आपके एग्जाम से वो सारी आपको टाइम टू टाइम यहाँ पे मिलती रहेगी नब इन्फॉर्मेशन पे और नब इन्फ़ो पे जो आपका दी ई नब है उस पर जो भी आपके एकेडमिक कोर्सेज हैं जो भी आपके एम हिस्ट्री है और भी चीज़ें जो आप पढ़ रहे हो उसके रिलेटेड यहाँ पे वीडियोस के अपडेट आते रहेंगे तो आपको दोनों को सब्सक्राइब करना है और कोई भी सजेशन हो आपको मेरे लिए तो आप हमें डायरेक्टली सजेशन दे सकते हो आपके जो सजेशन है सारे जगह सोशल मीडिया पर अवेलेबल हमें कहीं पर भी आप जाके मेरे लिए सजेशन ड्रॉप कर सकते हो तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी मा बायकर ऑल द बेस्ट